34 जन के लक्ष रूपाय हण हंचिके आगुवंतदिदे तवेल्ल उत्तमवागि बळकेयन्नु माडि प्रति वर्षनू यावागलू नम्म क्षेत्रदल्लि फलानुभविगळिगे नम्मेल्ल मुसलमान बांधवरल्लि प्रतियोब्बरिगू ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಬ್ರೋಕ್ರೇಜ್ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಅವರು.
अमर राष्ट्र नायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का इच्छा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका भरोसा, सबका प्रयास, ये सबके साथ में लेकर जाना है और सभी को उनका ड्रीम पूरा होना है। इसलिए सब ये वेलफेयर प्रोग्राम लेके मुसलमान भाई और बहनों का सुधार के लिए, भविष्य के लिए ये प्रोग्राम लेके आज 25 बेनिफिशरीज हैव बीन गिवन देयर वॉट एवर बेनिफिट्स हैज बीन एक्सटेंडेड, इट इज़ बीन गिवन टू दैम। सो ये लेके उन लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप जो भी वृत्ति में है ना, उन लोग वो पाल सकते हैं, बड़ा कर सकता है और उसका साथ में शिक्षण और स्वास्थ्य सभी मिलके देख के और कौशल्या और उद्योग ये सब सबको मिलना है, उत्तम बहुत अच्छा भविष्य देना है। इसलिए सब प्रयास कर रहे हैं हम लोग सबका साथ में, सबका सहकार से। इसलिए बैंगलोर बहुत शक्तिमान नगर है, सबको उनका काम मिल सकता है, इधर तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो किधर भी नहीं मिलेगा, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ सब काम मिलता है इधर। वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दैट, इफ यू डोंट वर्क टुवर्ड्स दैट विल नॉट गेट। तो इसलिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, उसका फ़ायदा उठाना है, उसका अवकाश तो लेना पड़ता है। इसलिए सरकार सबका मदद करने के लिए तैयार है, किसी को स्किल नहीं है तो स्किल दिला सकते हैं, जॉब नहीं है तो जॉब दिला सकते हैं, एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमारा सरकारी शाला कॉलेज कम्प्लीटली अपग्रेडेड, इट विल बी बेस्ट इन। आज का जो प्रोग्राम है मेलेशुम हल्के का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में करीबन 25 लोगों को माइनॉरिटी स्कीम में जो लोन सैंक्शन हुआ था वो आज उन 25 लोगों को दिया गया है। और इस हलके के MLA और इस रियासत के वज़ीर डॉक्टर CN अश्वथ नारायण उनकी मदद से, उनके ऑफिस के स्टाफ से मदद से ये सब काम हुआ है, आज मुसलमानों को मदद हुई है, पूरे 25 लोगों को आए और एक 2019 और 20 के 14 लोगों को और 20 और 21 के 10 लोगों को, 15 लोगों को 50,000 के करीब हुआ है और 10 लोगों को 25,000 हुआ है। क्या ये लोन है? क्या ये लोन है? रीपेमेंट है, सब्सिडी है कि कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से हुआ है। कैसा है इलाके का नाम, क्या है, कैसे लोग? भाई लोग भी अच्छे हैं, हमारे MLA भी अच्छे हैं, बहुत डेवलपमेंट वर्क बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा कि गुठली में चेक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसे अच्छी तरह मरम्मत करके नई बना रहे हैं, और यहाँ डायलिसिस सेंटर नहीं था वो भी आ गया है, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल कई स्कूल हैं जो पूरे नई इमारतें हुई हैं, स्मार्ट क्लासरूम आके हैं, और पढ़ाई के मैदान में और सेहत के एतबार से MLA का बहुत बड़ा ताउन रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या है आपकी अपील? क्या मैं आवाम से यही अपील करता हूं, जिससे मदद लेते हैं, जो काम करने के लिए आगे बढ़कर आ रहा है उनसे काम भी ले और उनके वक्त में हम उनका साथ दें। नाम दादा पीर बोल रहा हूँ, 10 मिनट आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दादा पीर बोल को डाक पैलेस गुठली का रहने वाला हूँ। श्रीमान डॉक्टर अश्वथ नारायण साहब 13 साल से यहाँ MLA को हर बात के लिए भी अच्छी मदद करती, जात बात क्या भी देखे नहीं सका, सब कौम को साथ में लेको यहाँ 13 साल 14 साल से उन्होंने चल रही, हमें भी उनको पहले से भी सपोर्ट्स कर लगा रही, पीने के पानी के इसमें भी होता अच्छे, जरे जगह में पानी की तकलीफ़ थी उन्होंने आए बाद वो तकलीफ़ भी सॉल्व करे,
और 5 रुपये पानी की कॉइन जो फिल्टर दाल को ही वो भी इंतज़ाम कर को दिए। और पार्क था, पार्क भी मस्जिद के सामने बहुत गलीस था, वहाँ भी एक इंदिरा कैंटीन बोल को पार्क बना को, वो पार्क को भी पूरा पाक साफ बना को, मस्जिद के आजू बाजू सभी ज़रा पाक साफ बनाने के लिए बहुत मदद करे डॉक्टर अश्वत्थ नारायण साहब। उसके वास्ते हम सब माइनॉरिटी जो ही लीडर पूरे माइनॉरिटी से हमें श्रीमान डॉक्टर अश्वत्थ नारायण साहब को सपोर्ट करती, हमें बीजेपी बोल को नहीं अश्वत्थ नारायण साहब हमना एक अच्छे भाई के जैसा हमना काम कर को देती। उसके वजह से पूरे हमें मिलकर डॉक्टर अश्वत्थ नारायण साहब को आने वाले जो भी इलेक्शन से जो भी हैं हमें पूरे एक होकर पार्टी बोल को नहीं एक इंसानियत के खातिर उनके वास्ते काम करना, पूरे आवाम को भी ये मैं इल्तिजा कर रहा हूँ। और ये मेरे रिक्वेस्ट है तमाम हजरात एक पनार से हमारे डॉक्टर श्रीमान अश्वत्थ नारायण साहब को इस बार पूरे मिल को दिखाना बोल को एक काम करना बोल को बोल रही।